नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास निर्मला का 11वां भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहां लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, अच्छा ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कि बच गए हैं? 10 कभी के बच गए थे, बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है। सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते, ऐसा बिगड़ रहे हो मैं जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। ये तो कहो कि एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी ना रुका, सीधा चला आया हूं। निर्मला, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल ना सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगवा लीजिए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है, मैंने पहले भी कहा था। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। मैं खाना बनाकर बनाने को तैयार हूं, लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं ना। सियाराम, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा, मुझे दोष ना देना। निर्मला, खाना खा लो वरना कल को फिर मुझे ही कहोगे कि विमाता ने खाना नहीं दिया। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छा में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा, उस पर आते अलग चल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए, 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था। माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? हम माँ होती तो इसरा बिना कुछ खाए पिए आने ना देती, मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल होता। उसने सोचा, इस वक्त वे कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों ना चला गया, घर में मेरे लिए रखा ही क्या था। वे आज यहाँ से चला तो घर ना जाकर सीधा घी वाले शाहजी की दुकान पर गया, शायद बाबा जी वहां से मुलाकात मिल जाए उनसे। पर वहां बाबा जी ना थे, बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौटा। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहां लगाई, सवेरे खाना भी नहीं खाया। क्या इस वक्त भी खाना नहीं बनेगा, उपवास होगा, जाकर बाजार से कोई तरकारी ही ले आऊं। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आया हूं, कुछ खाने पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे रही है महारानी। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूं मैं, आके रोटियां ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहां भी मिल जाएंगी, जब मंजूरी करनी ही तो मैं अपनी करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा, और ना मैं लकड़ी लेने जाऊंगा ना मैं तरकारी लेने जाऊंगा। निर्मला अवाक रह गई, लड़के को आज क्या हो गया है? हर दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों तौरियां बदल रहा है? अब भी उसको ये ना सोची कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने के दे दे, उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मंजूरी नहीं कहलाती, इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो तुम्हारे बाबूजी भी कहते हैं कि वो कचहरी नहीं जाएंगे, तो क्या होगा बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना इतना बुरा लगता है, नहीं तो बला से ढेले की चीज पैसे से आ जाती, तुम्हें ना भेजती। लो आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार ना गया, उसका ध्यान सिर्फ बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी, उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया, सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता ही ना मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपना जीवन अब दुसहनीय हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया, उसने समझा वही है, हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया।
पर ये कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस खटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न हो गई। लेकिन सियाराम घर ना लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहां किसी को उससे प्रेम ही ना था, जहां वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसीलिए कि उसे और कहीं शरण ना थी। इस वक्त भी उसके घर ना जाने को किसकी चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेट होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी तो ना देखा होगा। हाँ, बुआ जी जरूर घबरा रही होंगी, वे अभी तक मेरी राह ही देखती होंगी। जब तक मैं नहीं जाऊंगा भोजन भी तो नहीं करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल पड़ा। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटाकर रोती तो थी। उसे बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए तो पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने को और नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित होते हैं। सियाराम घर की ओर चला ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था, आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है बाबा? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कांप कर से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है? इसके आगे सियाराम और कुछ ना कह सका। उसके अश्रु पूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उसे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंसे लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल साधु संतों की संगति का आनंद उठा, भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पंछी अंत में दाने पर गिर पड़ता है। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, ये कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की दे, उस पर आज सारे दिन भोजन भी ना मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया है। निर्मला ने पूछा, आज कुछ ना मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ ना लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? पंडित पर भी डिग्री हो गई? आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। कहता तो था, और जब भी कहता हूं कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, पगर उतना सिर मगजन कौन करे। और सिर दवाले में, और सिर 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 वाले दावे में, उसमें भी हार हो गई। तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही नहीं थे, और जो आते भी थे वे बिगड़ जाते थे। मगर अपने असफलताओं को वो निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ ना लगता, उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्राय सभी मित्रों से कुछ ना कुछ ले चुके थे, आज वे डॉल भी ना लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का ये हाल है तो ईश्वर ही मालिक है, उस पर बेटे का ये हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भोंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा, कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। तो खाना नहीं पकाया तुमने आज? ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? तो बिना कुछ खाए ही चला गया। घर में और क्या रखा था जो उसे खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे दे देती उसको। घर में पैसे फैलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक ना मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित चंचल होता। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मांग ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाए। अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगी कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाए।
उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ ना मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे ना फलते थे तो इस संदूकशे में शायद इसके फूल भी ना लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़े। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आनंद हुआ उनका पहले कभी नहीं हुआ। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब ना मिला तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से लौटा नहीं? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए कि नहीं? मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब ना दिया, नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है? मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप चल रहा था। पूछा, कितने बज रहे हैं भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी, सिया बाबू आए? आए होंगे तो घर में ही ना होंगे? मुंशी जी ने झल्ला कर पूछा, मैं पूछता हूं कि आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती। तेरी भी आजकल जवान ज्यादा चलती है काची की तरह। भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे तब चलता हूं। आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वे उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए, पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाई ओर चले और गले के नुक्कड़ तक गए, सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले, सोचने लगे शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूसे बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान नहीं था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज नहीं आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था, स्कूल में इतनी रात तक तमाशा तो नहीं हो रहा सकता। अभी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट होगा। घर पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज ही ना आई। फिर जोर से पुकारा, भूंगी किवाड़ खोल कर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, पता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इसरा नहीं रखा जाता, जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ाते बीतता था, आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए बाबूजी। बहूजी कब से बैठी हैं? मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर क्या यह अभी दंड पूरा नहीं हुआ मेरा? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से भी छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आसियाराम अभी तक नहीं आए, कहती रही कि खाना बनाए देती हूं, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहां घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं, कब तक उनकी राह देखा करूं। आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कितने बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने 10 बजे होंगे। जी नहीं, 12 बजे हैं। 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे, तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था आपने, ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। जी तुम्हें दिख करता है ना, क्यों? देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुधी नहीं उसे, शायद यही आखिरी शरारत हो, तुम्हें फुर्सत ही मिल जाए। कैसी बातें मुंह से निकालते हो जी, जाएंगे कहां? किसी यार दोस्त के यहां पड़े रहे होंगे, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो।
सवेरे आवे तो जरा उनकी तंबी ली कीजिएगा। खूब अच्छी तरह करूंगा। चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। सवेरे उसकी तंबी करके खाऊंगा, कहीं ना आया तो तुम्हें इस ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने भी आट कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया उसे? नहीं नहीं, ये कौन कहता है, तुम ऐसे उसे क्यों भगाने लगी, तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी बेचारे की। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा, बात बढ़ जाने का भय था, भीतर चली गई। सोने को भी ना कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर लिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी, तीन लड़कों में केवल एक बचा था, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या होगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए, मुंशी जी की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी तो कोई आश्रय है। उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी, उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले, किसी से पूछते शर्म आती थी, किसी मुंह से पूछे, उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा भी तो ना थी। प्रकट ना कहकर मन में सब यही कहेंगे कि जैसा किया वैसा भोगा। सारे दिन वे स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। दो दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई ये वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे, दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी, देखते ही बोली, कहां भी नहीं, ना जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्ने नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो आज बहुत बुरा होगा, मैं आपे में नहीं हूं, ये तुम्हारी ही करनी है, तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की ये दशा थी, तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया, तुमने मेरे लहलाते बाग को उजाड़ डाला है। निर्मला, केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान भी मिटाकर तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था, ये उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा सखिया भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाए। निर्मला, मैं तो अभागिन हूं ही, आप कहेंगे तो जानूंगी, ना जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया है। हाँ, मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे ही नहीं, मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। चलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही, इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया था। क्यों? इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि ये मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर भी उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध ना मारा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के लिए ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वे बचत करके अपने लिए गहना गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी की ये हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़े की जिंदगी का क्या ठिकाना? बच्ची की विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार खुद उसी पर तो नहीं था ना, वह केवल पति की सुविधा ही के लिए तो कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता, बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता? निर्मला सारी कर्तव्य व्योध पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला, खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसको सुधी थी? मुंशी जी बाहर बेचैन से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला ना था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब ही ना देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? क्या कीजिएगा, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। क्या आपको नहीं मालूम, देने वाले तो आप ही हैं।
तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, नहीं तो साफ साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब दिया। बोली, होंगे तो घर में ही होंगे ना, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए होंगे। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगी या मैं दूंगी, उसको पर और उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वे देना नहीं चाहती। 9 बजे रात तो मुंशी जी ने आकर रुकमणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूं, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुकमणी भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते, कहां जाने का इरादा है? मुंशी जी मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता, आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुकमणी कौन पकावे, बहू के सिर में दर्द हो रहा है, आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो, सवेरे ना चले जाना? मुंशी इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए, इधर उधर घूम घूम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल ही जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही कहीं बहका न लग गया हो। रुकमणी तो लौटेंगे कब तक? शी जी कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना। रुकमणी आज कौन दिन आए, किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई, उसना सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबू जी कहाँ जाते हो? मुंशी जी बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी जी बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुम नहीं चल सकती। बच्ची हमको क्यों नहीं ले चलोगे? मुंशी जी तुम हमारे पास आते ही नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल किरणा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़े ताकती रही, कहना चाहती थी व्यर्थ जा रहे हो, पर कह ना सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे ना सकती थी। अंत को रहा ना गया, रुकमणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए कहाँ जा रहे हैं, मेरी जवान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता, बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुकमणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखना या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा, उसे जान पड़ा कि इससे भेंट ना होगी। वे अधीर होकर धार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था।